head up, no holding, no low blows. Good luck. Ladies and gentlemen, our fighters are ready. Our judges are ready. This is it. This is your championship matchup where one individual will take it home and a whole nation wins. India, are you ready to make history? ऑस्ट्रेलिया बनाम रूस का ये मुकाबला है. रूस की अनास्तासिया का सामना होने वाला है फ्रांसिस के स्कॉट के साथ. और ये है रशियन बेंच और ये है ऑस्ट्रेलियन बेंच. सैंटियागो निविया उनके ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच हैं. भारत के पुरुष टीम को भी लंबे समय तक कोचिंग दे चुके हैं. और मुकाबला बहुत कड़क होने वाला है संजीव. एक तरफ है युवा जोश और दूसरी तरफ है अनुभव. 16 साल बनाम 38 साल. बिल्कुल. और देखना होगा यहाँ पर अनुभव के ऊपर जोश क्या अपना प्रतिफल ले पाएगा. मगर अनुभव अनुभव ये होता है. यहाँ पर प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई प्रयास अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज. सिंगल पंच का प्रयोग कर रही हैं तो ये उनके लिए थोड़ा सा आकलन कम रहेगा. मगर वहीं रशियन मुक्केबाज डबल पंचेज का प्रयोग करती हुई रशियन साउथपा बॉक्सर. देखना होगा यहां पर साउथपा बॉक्सर के साथ खेलने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है. यह प्रयास अच्छा था रशियन मुक्केबाज का. पूरा टारगेट एरिया पे लैंड किया उनका प्रहारक क्षमता. तो यह अपने आप में काबिले तारीफ. स्टेप बैक लिया. स्टेप बैक लेने के बाद फिर अपने आप को बचाया ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई. प्रयास अच्छे मगर दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार ऑस्ट्रेलिया के. बहुत जल्दबाजी में प्रहार को पहले ही रिलीज कर देती हैं. यह उनको देखना होगा कि आपको अपनी क्षमताएं तभी प्रयोग करनी है जब आपका प्रतिद्वंदी आपके नजदीक हो. दूर से प्रहार करने पर आप अपने आप को थकाएंगे और अपने शक्ति को व्यर्थ ही निरस्त करवाएंगे. तो इसलिए अपने आप को बचाकर चलें. यह स्टेट जाए बहुत अच्छे 90 तुले प्रहार क्षमता ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज की. 38 वर्ष की हैं जो उनके पास अनुभव है खेल कौशल का. मुक्केबाजी की जो उनकी यात्रा है वो बहुत ही स्वर्णिम यात्रा है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं. प्रयास अच्छे हैं. उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित भी कर रही हैं. विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की रजत पदक विजेता रही हैं रशिया की और वर्ष 2016 की और राष्ट्रमंडल खेलों की भी कांस्य पदक विजेता रही है. तो अपने आप में काफी अच्छा अनुभव है उनका ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज का. मगर यहां पर देखना होगा प्रयास. बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं आप. इतना समय लेना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा. ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज अनुभवी हैं, युवा हैं और काफी अच्छा उनके पास खेल कौशल है. यहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ. ऑस्ट्रेलियन हेड कोच जैसा सैंटियागो जो कि भारतीय टीम के साथ भी हेड कोच रहे काफी समय तक. और ये अंक तालिका बढ़त बनाने में कामयाब है रशियन मुक्केबाज. प्रयास बहुत अच्छे थे. 4-1 का डिसीजन रहा है. मगर प्रयास ये देखेगा किस तरीके से प्रारंभ क्षमता रही ऑस्ट्रेलिया की. विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता रही है, रजत पदक विजेता रही है और राष्ट्रमंडल खेलों के भी कांस्य पदक विजेता है. तो वो अनुभव उनका यहां पर जरूर देखने को मिलेगा. प्रहार क्षमता बहुत अच्छी रशिया की मुक्केबाज प्रहार करती हुई आगे बढ़ने की कोशिश मगर प्रत्युत्तर देती हुई काउंटर अटैक की गेम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज. ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी. शेल गार्ड रखा, शेल गार्ड रख के अपने आप को बचाया. आनंद आसान नहीं है ये मुकाबला. और ऑस्ट्रेलिया की फ्रांसिस के स्कॉट ने यह जता दिया है कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं है. 38 साल की है और 38 साल की उम्र में अपने से आधे से ज्यादा कम उम्र की मुक्केबाज अनास्तासिया से जिस ढंग से वो लड़ रही हैं कमाल का प्रदर्शन है.
ऑस्ट्रेलिया ने अब तक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता नहीं है और यहां पर स्वर्ण की सबसे बड़ी दावेदार के रूप में 38 साल की फ्रांसिस के स्कॉट उतरी हैं, लेकिन तीसरे दौर में जाते जाते क्या वो अपनी एनर्जी बचाकर रख पाएंगी, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जब आपके साथ उम्र जो है वो रॉन्ग साइड पर हो तो फिर तीसरे दौर में आपकी फिटनेस और एनर्जी की भी टेस्टिंग होती है। संजीव आनंद, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो उनके पास अनुभव इतना अच्छा है, इतना बड़ा अनुभव है विश्व चैंपियनशिप का भी, तो वो अनुभव उनको बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब अनुभव होता है तो अनुभव के साथ जोश भी आपका होता है, तो जो मुक्केबाज जोश के साथ होश में खेले वो काफ़ी अच्छा अपना खेल कौशल प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ खेल रही है, नपातोला खेल रही है, अनावश्यक प्रहार क्षमता का प्रयोग नहीं कर रही है, जो लक्ष्य जो योजना उन्होंने बनाई है उस योजना पर पूर्णतः वो क्रियान्वित कर रही है। ये योजना उनकी बहुत अच्छी है, मुकाबले से पहले जो उनकी योजना है उसको पूरी तरह से प्रयोग करना और उसको क्रियान्वित करना और अपने लिए लाभकारी प्रस्तुतिकरण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी, ये पकड़कर गिरा नहीं सकते हैं आप इस तरीके से। और फ्रांसिस ने यहां पर मुकाबले पर गिरफ्त बना ली है और कहीं ना कहीं अनास्तासिया थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रही है आज, जो उनका नेचुरल खेल है। जब आपका ओपोनेंट बहुत बढ़िया होता है तो आप कहीं मुकाबले में मिस कर जाती हैं और वही मिस ट्रिक पर लग रही हैं। एक बार फिर शेल गार्ड ऊपर किया, डिफेंस में बढ़िया कर रही है फ्रांसिस के स्कॉट और अब बहुत ज्यादा चारा है नहीं अनास्तासिया के पास, क्योंकि अटैकिंग रणनीति ही अपनानी पड़ेगी, बिना अटैक के वो इस मुकाबले में वापस आ नहीं पाएंगी। और अनास्तासिया को पता है कि रूस की नतालिया सिचुगोवा अपना मुकाबला हार गई है, तो आज रशियन चैलेंज जो है वो अंतिम चैलेंज है अनास्तासिया के रूप में। फ्रांसिस के स्कॉट क्या यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट रेज करने वाली हैं? सेमीफाइनल मुकाबला जब उन्होंने डॉस सैंटोस बारबारा जो ब्राजीलियन बॉक्सर है उनके अगेंस्ट जीता था, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि फिटनेस के लेवल में तीसरे दौर के जो लेटर हाफ है उसमें मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप यूथ बॉक्सर के अगेंस्ट होते हैं तो हो सकता है कि अनास्तासिया का जो गेम प्लान है वही होगा कि तीसरे दौर में ऑल आउट अटैक पर जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना ना पिछड़ जाएं कि तीसरे दौर में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाए। क्या स्टैंडिंग एट काउंट दिखा पाएंगी? दूसरे दौर की हो गई है समाप्ति और कहीं ना कहीं संजीव थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी कम पॉजिटिव नजर आ रही है अनास्तासिया के नजरिए से देखे तो। प्रेशर होता है फाइनल का या फिर ओपोनेंट की तेजी की वजह से भी आप पिछड़ जाते हैं, ये देखिए। और इस बार यहां पर यूनैनिमस बढ़त पर चली गई है अनास्तासिया, जो फ्रांसिस के स्कॉट ने बढ़त बनाई थी वो बढ़त अब अनास्तासिया की तरफ शिफ्ट हो गई है, मुकाबला पलट गया है। देखिए यहां पर ही उत्कृष्टता दिखती है कि जब मुक्केबाज प्रहार क्षमता का प्रयोग करता है तो आप सटीक प्रहार क्षमता का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने कहा था अनावश्यक प्रहार क्षमता का प्रयोग नहीं कर रही है, जहां पर नपातुला योजनाबद्ध तरीके, ये देखिए कॉम्बिनेशन पंचीज का प्रयोग जो उन्होंने किया रशियन मुक्केबाज ने, एक तरफा सा किया यहां पर ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज को, प्रहार करने की कोई योजना नहीं बनाने दी उनको। और यहां पर बढ़त जो है वो अब रेड कॉर्नर के मुक्केबाज के पक्ष में है, रशियन मुक्केबाज के, देखना होगा यहां पर किस तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग करेगी। 18 वर्षीय युवा मुक्केबाज हैं और वो उनका युवा जोश जरूर यहां पर दिख रहा है, लॉन्ग रिच का प्रयोग करती हुई, रणनीति बहुत अच्छी, नपातुला खेल और फुटवर्क सबसे अच्छा, फुल रिंग क्राफ्ट दिखाती हुई, ये प्रयास बहुत अच्छा, पीछे जाते हुए भी आप प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते हुए भी प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हैं और साइड स्टेप लेते हुए पंच खोल रही है ताकि अपने प्रतिद्वंदी को अपने नजदीक नहीं आने दे रही। और ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज का यहां पर काउंटिंग, मैंडेटरी काउंटिंग, 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज के ऊपर, ये 8 सेकंड की गणना रेफरी द्वारा, जब एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग किया जाता है तो रेफरी जब देखता है कि एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता है तो मुक्केबाज को रेस्ट देने के लिए ये गणना भी की जाती है।
और ये रणनीति बहुत अच्छी रशियन मुक्केबाज की, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज नपातुला खेल खेल रही है, प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी। शुरुआती दौर के राउंड्स को अपने पक्ष में करने में भी कामयाब हुई हैं, तो यहां से पता चलता है कि उनकी कार्यकुशलता, खेल कुशलता कितनी उत्कृष्ट है। और अब पांचों जजेस को बहुत प्रभावित किया होगा उनके इस खेल ने, लगातार प्रहारक क्षमता आमंत्रण देती है प्रतिद्वंदी को। यह प्रहार बहुत अच्छा था, स्ट्रेट जैब पूरी तरह से टारगेट एरिया पर लैंड हुआ। यहां पर ऑस्ट्रेलियन मुक्केबाज के लिए केवल और केवल यही है कि वह शेल गार्ड रखें, जब भी अगर अपनी प्रतिद्वंदी के प्रहारों से बचना चाह रही है, अपनी रक्षा करना चाह रही है, तो शेल गार्ड रखें। शेल गार्ड हटाकर खेलेंगी तो उनके लिए नुकसानदेह रहेगा। मगर वही रशियन मुक्केबाज उनको आमंत्रण देती है, अपना शेल गार्ड पूरा उन्होंने हटा रखा है, आमंत्रण देती है। जैसे ही वह नजदीक आती है तभी प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती है, काउंटर अटैक का प्रयोग करती है। तो ये उनकी रणनीति बहुत सोची समझी, योजना और योजनाबद्ध तरीके से अपने खेल कौशल को अंजाम तक लेके जा रही है। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, यहां पर बढ़त बना रखी है अब रशियन मुक्केबाज ने। आनंद, यहां पर लगता है कि आपका जो प्रीवियस प्रोफाइल है वो कोई मायने नहीं रखता, आज का दमखम आप कितना प्रदर्शित करते हैं आज के खेल में वही मायने रखता है। अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध किस तरीके की रणनीति का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग करते हैं, वो मायने रखता है। इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की एक टैगलाइन है, वेयर बॉक्सर बिकम लेजेंड, और यहां पर 16 साल की युवा मुक्केबाज लेजेंड बनने की तरफ अग्रसर हो रही हैं। विश्व चैंपियनशिप जीतने और उनमें बहुत कम फासला रह गया है, क्योंकि तीसरे दौर में अगर ओपोनेंट को स्टैंडिंग 8 काउंट आपने दिखा दिया, आप शुरू में बढ़त पर हैं, तो फिर मुकाबला आपके पक्ष में जाने के पूरे चांसेस बन गए हैं। और इस समय फ्रांसिस के स्कॉट को पता है कि ये मुकाबला उनकी तरफ से फिसल गया है, लेकिन यहां तक पहुंचना और सिल्वर मेडल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 38 वर्ष की उम्र में जीतना, लेकिन क्या कमाल का दिन रहा है आज अनास्तासिया के लिए, छोटी उम्र में विश्व चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल के इतने करीब पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ अपने खेल से दुनिया भर के बॉक्सिंग फैंस को प्रभावित किया है, लेकिन यहां के 5 जजेस को भी लगता है कि अपनी तरफ प्रभावित कर लिया है उन्होंने। कमाल का प्रदर्शन, धमाकेदार प्रदर्शन, झन्नाटेदार प्रदर्शन रशियन अनास्तासिया की तरफ से। बिल्कुल, निर्णय की घोषणा कुछ ही क्षणों में की जाएगी, मगर बढ़त की अगर हम बात करें तो बहुत ही सुंदर खेल कौशल प्रदर्शित हुआ। पहले चक्र में बहुत ही धीमी गति से मुकाबला जरूर चला था, क्योंकि स्वाभाविक है इतना भार वजन वर्ग है, 70 किलो भार वर्ग के ये लाइट मिडल वेट का मुकाबला चल रहा था। तो यहां पर मगर तकनीक की योग्यता की अगर हम बात करें तो दोनों ही मुक्केबाजों की तरफ से बहुत अच्छी तकनीक, बहुत अच्छी उत्कृष्ट खेल कौशल प्रदर्शन, तो वो बड़ा नपातुला खेल कौशल प्रदर्शित किया गया। और निर्णय की घोषणा कुछ ही पलों में। Ladies and gentlemen, this championship bout, about 3:05, comes to a close. After going to be 3 3-minute rounds, an elite women's 66-70 kg light middleweight championship matchup. This bout was to determine the undisputed and gold medalist in the female world light middleweight championships. After giving 3 3-minute rounds, we go to the judges' scorecards, where all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the red corner, from Russia, it's Anastasia Damutia. Kya ghazab ka pradarshan hai, ye wo manch hai jahan champion boxer hame milte hain।